हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन 15 से लेकर 17 तक 10th क्लास सीबीएसई मैथ्स। क्वेश्चन 15 है, फाइव कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। मतलब ये हुआ कि पांच पत्ते, अपने प्लेइंग कार्ड्स के बारे में तो जानते होंगे, पांच पत्ते किसके, डायमंड्स, डायमंड्स बोलते हैं ईंट को, ईंट के पांच पत्ते, दहला, गुलाम, रानी, राजा और इक्का, ये वेल सफिश किए, उनको फेंट लिया अच्छी तरह, उनके फेस जो है डाउनवर्ड करके डाउनवर्ड नीचे की तरफ करके रख दिया। उनमें से एक पत्ता हमने जो है पिकअप कर लिया, तो वो बोल रहा है कि वो पत्ता, उनमें से हमने एक पत्ता जो है निकाल लिया, पिकअप कर लिया, तो उसकी क्या प्रॉबर्टी होगी, वो रानी होगा। तो रानी, हमारे रानी के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, एक ही रानी है पांच पत्तों में और टोटल पत्ते कितने, पांच, तो इसकी प्रॉबर्टी क्या होगी, रानी की हो जी, क्वीन की, सपोज क्वीन की जो है प्रॉबर्टी है क्यू है, तो पी क्यू इजिकल टू हो जाएगा 1/5, ये क्वीन की प्रॉबर्टी हो जाएगी। दूसरा, इफ द क्वीन इज डन एंड पुट ए साइड, अगर क्वीन को निकाल लिया और एक साइड में रख दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज पिकअप इन एस, और सेकंड कार्ड पिकअप किया, यानी रानी को निकाल के एक साइड में रख दिया, तो कितने पत्ते बचे हमारे पास, चार बचे, और चार में एस कितना है, एक है, तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सपोज एस की प्रोबेबिलिटी जो है होगी, यह होगी पी ए इजिकल टू क्या हो गया, इसके फेवरेबल आउटकम्स कितना है, वन, और टोटल आउटकम्स इसमें कितने बच गए, चार, क्योंकि एक रानी तो हमने निकाल, वो रानी पहले ही निकाल के अलग रख दिया, तो हो गया फोर, इसकी होगी 1/4। अब है क्वीन, तो बी में बोल रहा है कि अब उसमें क्वीन, तो क्वीन में तो पहले ही निकाल दिया, तो क्वीन तो जीरो है, भोया नहीं, तो इसकी प्रॉबर्टी हो जाएगी जीरो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेंस आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज ए डिफेक्टिव, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज टेकन आउट गुड वन। 12 डिफेक्टिव पेन और 132 पेन के अंदर मिला दिए गए, तो उनमें ये पता नहीं चल रहा है कि कौन खराब है कौन अच्छा है, उनमें से एक पेन हमने निकाला, तो वो बोल रहा है कि वो पेन जो है वो अच्छा हो, उसकी प्रॉबर्टी क्या होगी, तो अच्छे पेन कितने हैं इसमें, 132, तो सपोज जो है गुड पेन की प्रॉबर्टी होगी, पी जी ले लिया हमने, पी जी इजिकल टू, तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गए, 132, और टोटल आउटकम्स कितना हो गए, 132 और 12, 144, ये कितना हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 12 × 12 और 12 × 144, यानी 11/12 इसकी प्रॉबर्टी होगी, 12 से कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वन एंड वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रॉबर्टी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। 20 बल्ब हैं जिनमें चार डिफेक्टिव हैं, पता नहीं कौन से डिफेक्टिव हैं, बल्ब इस उनमें से एक बल्ब जो है रैंडम निकाल लिया, तो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव की होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 4, टोटल कितने हैं, 20, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4/20 हो जाएगा इसका, 4/20 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, डिफेक्टिव की, सपोज डिफेक्टिव की है पी डी इजिकल टू 4/20 और 20 इजिकल टू 1/5, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेकंड में है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, वो बल्ब जो है जो निकाला था वो खराब नहीं था और उसको रिप्लेस भी नहीं किया हमने, ठीक है, तो बोल रहा है कि उसमें से एक बल्ब निकाला
उसकी क्या प्रॉबलिटी होगी कि वो डिफेक्टिव नहीं है। तो अभी उसमें सही बल्ब, पहले सही बल्ब कितने थे? 16 थे, 16 थे पहले। 16 में से एक बल्ब हमने निकाल दिया था, ठीक है, 16 में से एक बल्ब निकाल दिया, उसको अलग रख लिया था, उसको रिप्लेस नहीं किया निकाल के। इज नॉट इफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, तो कितना हो गया? 15। और टोटल कितना बच गया फिर? 19। तो क्या हो गया? इसकी प्रॉबलिटी होगी 15/19, ये इसकी प्रॉबलिटी होगी। ये मतलब सर, ये बल्ब अच्छा होगा, डिफेक्टिव नहीं है, मतलब गुड होगा, तो पीजी की ये प्रॉबलिटी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि बल्ब इज, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव नहीं है, मतलब सही बल्ब था वो, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया, मतलब निकाल के उसको अलग रख दिया गया। तो टोटल सही बल्ब कितने बचे हमारे पास? पहले 4 डिफेक्टिव थे 20 में से, तो पहले कितने थे? 16। तो 16 में से एक निकाल कर रख दिया था, कितने बचे? 15। तो 15 होगी ना हमारी आउटकम फेवरेबल, और टोटल कितने बचे? 19। तो हो गया 15/19। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करना, और मेरे वीडियो को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।